महंगाई का जमाना आ गया है, रिचार्ज वाला जो लगा है मीटर, गरीब लोग कहाँ से करेगा। 1.5 लाख है समझिए रेलवे में वैकेंसी, खाली सीट पड़ा हुआ, इसी तरह से क्या मोदी जी दे देंगे नौकरी। नहीं तो अभी अभी संविधान खत्म करेगा, ये जीत जाएगा संविधान खत्म करेगा, इसलिए बड़े बदलाव करना जरूरी है और पंजा छाप को जिलाना जरूरी है। क्या बोला कि गरीबी हटाओ, आप गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को भगा दिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के हरदास बीघा में हैं और आप देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अंशुल कुशवाहा हैं। इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला होना है और इस मुकाबले में बाजी कौन मारेगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र की जनता से। क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, जब बढ़िया होगा उनको वोट मिलेगा। कौन है बढ़िया? अब बढ़िया हम अखनी कैसे कहेंगे, जखनी समय आवेगा मोरान पर। अभी हम पानी खोल दिया बोरिंग के, अब हमारा मोरान क्यारी भर रहा है, और जखनी हमारा कुदारी के आवेगा मोरान, जखनी ना बोलेंगे कि हमारा क्यारी भरा कि ना भरा। अब अखनी हम कैसे कह दें पहले कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, डंका में निकल गया कुश्ती लड़ने के लिए, ये पटक दिया उसको बढ़िया हो गया। मोदी सरकार में तो राज में तो सारा बीमारियाँ आया, अरोना आया, कोरोना आया, नोटबंदी कर दिया, छिपा बजवा दिया, बत्ती जलवा दिया, ये कौची किया मोदी जी? मोदी जी कुछ नहीं किया है, राम को लाए हैं, बदलाव होना जरूरी है। हाँ, नहीं तो अभी अभी संविधान खत्म करेगा, ये जीत जाएगा संविधान खत्म करेगा, इसलिए बड़े बदलाव करना जरूरी है और पंजा छाप को जिलाना जरूरी है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा फ्रांसिस जेवियर नाम है। फ्रांसिस जेवियर? ये तो क्रिश्चियन नाम है। हाँ, क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन बॉय। क्रिश्चियन है? हाँ। इसीलिए आप जिताना चाहते हैं मतलब कांग्रेस को? कांग्रेस को। हाँ, मोदी तो है जैसा धर्म, वो धर्म अलग है, मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, ये ना करो वो ना करो, ये तो देश को बर्बाद कर दिया। तो ये हरदास बीघा में जो है ईसाई समुदाय के लोग? ईसाई समुदाय, हम यहाँ जमीन किन के रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, कटौना गाँव में रह रहे हैं। कटौना, कब से रह रहे हैं हम यहाँ पर? हमको जन्मे हुआ है यहाँ पे। तो आप मतलब महागठबंधन की सरकार लाना? महागठबंधन का सरकार लाना है। जी जी जी। हाँ, ये बताइए कि यहाँ तो लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने अच्छा काम किया। हाँ, तो यहाँ कौन है बोलेगा? प्रतापपुर विधानसभा सब राजद का आदमी है, सब राजद का आदमी है, सब लालू यादव का आदमी है। हाँ, यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि मतलब मोदी ने जिता दिया राजद। विधायक देखिए, अभी विधायक देखिए, हमको अनुरोध यादव है, भाजपा था, कहाँ ने जिता दिया उसको? यहाँ फतवा से लेकर के मकामत रहा सब राजद है, राजद है, राजद है। हाँ, तो नहीं है तो वो अपना मत है जिसको दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी से आप इतना क्यों नाराज है? नाराज है कि ये जाते बात काहे करता है, मुस्लिम अलग, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से कुछ फायदा हुआ? मुस्लिम को हटाओ, ये करो वो करो, ये देश को बर्बाद कर रहा है, लड़ाई लगवा रहा है। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार पांडे। पांडे जी क्या सोच रहे हैं? हम तो भाजपा के सरकार चाह रहे हैं, इसलिए कि पांडे जी हैं। नहीं, पांडे जी नहीं, वो हमारा ब्यादर थोड़े के हैं, हम तो पांडे जी हैं, तब ब्यादर हमारा है। नहीं तो आप क्यों चाह रहे हैं? काम कर रहे हैं, करेंगे उसके सपोर्ट। कौन सा अच्छा काम? पाँच अच्छे काम बताइए मुझे। पाँच तो बहुत, बिहार में हम लोग का देखे हैं, जब से न रोड था न लाइन था, हैं, स्वास्थ्य उतना ही था, पढ़ाई लिखाई में उतना ही डाउन था। तो ये मोदी जी थोड़े लाए हैं, वहाँ से फंड देते हैं तब ना काम। जैसे मान ना, आप गार्जियन हैं, आप फंड नहीं दीजिएगा बेटा का काम करें? फंड तो बिहार सरकार का अपना, बिहार सरकार, राज्य सरकार का भी, दोनों का सहयोग है। फंड तो जनता ही दे रहा है, है कि नहीं? फंड तो जनता दे रहा, दोनों का ही। आपसे 60 रुपए डेली मोदी जी वसूल रहे, आपको मालूम है? पहले आपको मालूम है? ठीक जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। बदलाव चाह रहे हैं साहिल जी? हाँ, महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए जी। ये लोग जो मोदी मोदी कर रहे हैं लोग, ये फालतू बकवास है। मोदी जी, एक तो पहली बात है कि जाति बात पे बहुत बवाल करवाते हैं कि जाति बात पे ये है तो वो है, ये से वैसे हमेशा, जब भी वो आएंगे तो जब भी स्टेटमेंट देंगे तो खाली मियां हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का स्टेटमेंट देंगे, आगे उनके कोई सवाल नहीं है।
आप क्या, आप इतना साल में क्या दिए जनता को? कुछ नहीं दिए हैं, और GST अनाज पे लगा दिए, हर चीज़ पे GST लगा दिया, आप क्या चीज़ बदलाव किए? कुछ नहीं बदलाव किए, बिजली दे दिया, अनाज दे दिए, ये दे दिए, वो देने से थोड़ी बदलाव किया। आप गरीब आदमी को सही सुरक्षित दीजिए, आप बोले कि गरीबी हटाओ, गरीबी क्या हटाओ, गरीबी हर गरीबी नहीं, गरीबी तो आपने सोचा गरीबी को भगाओ, गरीबी को हटा दो। आपने आपने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला कि गरीबी हटाओ, आप गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को भगा दिए आप, गरीब को आप रोड पर ला दिए हैं, रोड पर लाए ना गरीब को, जहाँ आप गैस लाते थे 400 में गैस लाते थे, आज 1100 रुपये गैस का दाम है, 1000 रुपये गैस का दाम है, कल हो के आप इलेक्शन जीतिएगा तो कल हो के 1500 गैस का दाम कर दीजिएगा, वो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से गरीब आदमी लकड़ी कूले ऐसे में जलाएगा, कोयला भी बहुत झूठ बोलते हैं मोदी जी, बहुत झूठ, सही बात है। हर बार वो स्टेज पर जाएंगे तो स्टेटमेंट क्या देंगे कि मुंदी है तो मुस्लिम है, तो मंदिर है तो मस्जिद है, ये क्या है, 3 तलाक हटाने से क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप सही मुद्दा पे आइए, क्या पब्लिक को सही रास्ता दिखाइए, सही रास्ता ये मुद्दे पे लेके चलिए, की बात नहीं करते हैं ना, मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे की क्या बात करते हैं। सुरेश, आज आप 1.5 लाख रुपया सरकारी नौकरी रखा हुआ है, 1.5 लाख है, समझ लीजिए रेलवे में वैकेंसी खाली सीट पड़ा हुआ है, इसी तरह से क्या मोदी जी दे देंगे नौकरी, दे देंगे नौकरी, अंदरे अंदरे क्या है, आज तेजस्वी जी यादव से क्यों अलग हो गए नीतीश कुमार, क्योंकि उनको मालूम था कि नौकरी रखा हुआ है, जितना टीचर को नौकरी दिए हैं तेजस्वी सी दिए हैं नौकरी, आज नीतीश कुमार इसलिए भाग गया अलग पार्टी से, अलग हो गया। बीजेपी या कोई और? बीजेपी, 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 बीजेपी क्यों? बस बीजेपी, बस बीजेपी, RJD का नहीं लाना है, नहीं लाएंगे। RJD को क्यों नहीं लाना चाहते? RJD का लाठी खाला, RJD का मतलब है यादव का सपोर्टिंग, बीजेपी का मतलब है क्या, हर जात के उसके में है कि RJD यहाँ लाठी चलाना है खाली, यहाँ पर बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। तुम कौन जात हो? हम चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी हो, चंद्रवंशी लोग जो है वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं। अरे ऐसा कुछ बात नहीं है, सब एक दूसरे का विरोधी करते हैं, ठीक है। अब जो बीजेपी में है वो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, अगला के विरोधी बोलते हैं ना, जो JDU में है जो उसका विरोधी बोलते हैं ना, तो वही बात है और कुछ बात नहीं है, बाकी हम तो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, करते ही रहेंगे सब दिन। ऐसा क्यों, इस बार ऐसा भक्ति क्यों है तुम्हारे अंदर? बस मेरा भी मतलब जो भी मेरा है मोदी जी में खास क्या बात है जो अच्छा लगता है? मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर, बस। क्या बाबा जी, क्या सोच रहे हैं अभी जो है चुनाव होने हैं देश में, आपके यहाँ भी चुनाव होना है, तो क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर के, कोई मुद्दे हैं जिसके आधार पे वोट करें? ना, हम लोग के कोई मुद्दा उद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, जो समाज गांव सब देता है उसमें हम जाकर दे देते हैं, हमारा पर्सनली अपना। जी जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुक्कर राम। शुक्कर राम, तो ऐसे चर्चा किसके बारे में? हम लोग के तब साहब के सब कर रहा है। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, कैसा काम किए? तो काम तो मोदी जी या नीतीश जी तो हम लोग के लिए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किए, उनसे हम लोग हैं खुश। जी जी, मगर अपना अपना विचार ना, हम खुश हैं आप नहीं खुश, बिल्कुल अपना अपना, बिल्कुल। तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? हम तो यही दोनों के, यही दोनों को, हाँ, मतलब मोदी जी या नीतीश जी। नीतीश जी, नीतीश जी कभी पलट के उधर चले जाते हैं, लाख जाए मार, अभी हम लोग के सक्षम जो दे दिए हैं, जो कर दिए हैं, जो उससे हम लोग खुश हैं। मोदी जी ऐसा क्या किए हैं आपके लिए जिसके लिए आप खुश हैं? मोदी जी का बोले हम लोग के राशन दे रहे हैं, का बोले वृद्धा पेंशन दे दिए हैं, घर में रहने सहने के गैस गोदाम ऊँची ऊँची हर चीज़ के लिए सुविधा दे रहे हैं, ये सबसे हम लोग खुश हैं। दूसरा सरकार था तो अब तक तो न दिया हम लोग। जी जी, ये बताइए कि जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी जो है देश बेचने पे तुले हुए हैं, संविधान जो है खतरे में है, और आप जो दलित समाज से आते हैं तो दलित समाज के बारे में कहा जाता है कि उनके हक और अधिकार को छीन लिया जाएगा एक दिन। ना, ना हम लोग अब सब इतना भरते, हम लोग ना नेतागिरी है, ना पढ़े लिखे हुए हैं, क्यों हम लोग खेती गृहस्थी करने वाला हम भी है, हम लोग के सक्षम जो आराम मिल रहा है, हम कह रहे हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अंकिता भारती है। अंकिता भारती, बहुत प्यारा नाम है आपका। ये बताइए कि अभी जब वोटिंग होनी है तो क्या सोच रहा है वोटिंग को लेकर? क्या सोचेंगे, यही सोच रहा है कि देखिए क्या चीज, इतना महंगाई का जमाना आ गया है, रिचार्ज वाला जो लगा है मीटर, गरीब लोग कहाँ से करेगा।
ये तो सरकार को सोचना ना चाहिए कि सर बिहार में इतना बेरोजगारी है और किसान लोग है जो कहाँ से इतना कर पाएंगे। ये बताइए कि बेरोजगारी की बात आपने की, तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी या फिर मोदी? ये तो सर मोदी पे ही लागू होता है, क्या कि मोदी है जी हैं जो बहुत सुविधा दिए हैं, जैसे कि क्या ची बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिए हैं, उसके तहत महिलाओं को जो घर में खाना बनाने की तकलीफ थी वो दूर हुई है, नल जल दिए हैं। आप किस समाज से आते हैं, किस जाति से आते हैं? हम आते हैं एससी कास्ट। आप बताइए कहाँ घर है आपका? घर तो सामने है, यही इसी गांव में घर है। हाँ। क्या नाम है आपका? बबलू साहू नाम है। बबलू साहू, क्या है लहर इधर, क्या है? लहर तो ठीक है। किसका लहर? लहर तो जो पूरा भारत में चल रहा है वही लहर होना चाहिए। भारत में क्या है लहर अभी? मोदी सरकार के तो जय जयकार है, ये है उन्हीं का तो। मोदी सरकार? मोदी सरकार क्यों? बढ़िया उनको वातावरण देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ये बताइए कि मोदी जी के बारे में विपक्ष के लोग कहते हैं कि बहुत झूठ बोलते हैं। नहीं, हम तो किसी जगह पर नहीं देख रहे हैं झूठ नहीं बोलते ना। तो उन्होंने कहा था कि 14 लाख जो है हर खाते में आएगा, 14 से 15 लाख रुपया। इसके अलावा उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, तो ये दोनों प्रमुख वादे तो पूरे नहीं हुए। पूरे नहीं हुए तब फिर भी पूरा होगा ना, समय आ रहा है। उम्मीद टूटा नहीं है? उम्मीद टूटा नहीं, टूटेगा। और ये तेजस्वी यादव नौकरी जो देने की बात कर रहे हैं, अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो भी तो कई साल से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में कह ही रहा है, थोड़ी उनको कुछ हम समय देख रहे हैं लाभ, कोई लाभ नहीं, नहीं। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, वो एक ही को सरकार है जो अभी बहुत बढ़िया है। एक ही सरकार? हाँ, मोदी सरकार।